चार बेटे होते हैं, राइट। और वो अपने चार बेटों को कुछ जिंदगी का जो मेन लेसन है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कुछ जो शिक्षा होता है वो उनको देना चाहता होता है, राइट। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने चारों बेटों को बुलाता है कि तुम आओ, कि अब तुम जो है वो जवान हो रहे हो, अभी डेफिनेटली तुमने अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत सारी जो चीजें हैं वो तुमने फेस करनी है, तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में तुम कुछ ऐसी चीजें जो है, ऐसी चीजें फेस करो और उन चीजों को फेस करने के तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो होनी चाहिए। तो उन सबको बुलाता है और उन सबको वो बाहर भेजता है कि तुमने अलग अलग मौसम में आम के जो पेड़ हैं उनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो हासिल करनी है, लेकिन सभी अलग अलग मौसम में जाएंगे, राइट। ये नहीं है कि सभी एक ही बार में जाएंगे, सभी जो जो भी उसके जो बेटे होते हैं सभी को अलग अलग मौसम में आम के जो पेड़ है उसको देखने के लिए भेजा जाता है। तो वो जाते हैं, और वो जब वो जाते हैं तो जब चारों बेटे चले जाते हैं, सभी अलग अलग मौसम का अनुभव कर लेते हैं, राइट। और वो साथ में कहता है कि किसी ने भी एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताना है। और जब एक साल बाद वो सभी आते हैं, वापस आते हैं, मिलते हैं, और तो जो पिता होता है वो सभी से पूछता है कि अच्छा चलो बताओ कि तुमने कैसा पेड़ देखा है, आम का जो पेड़ है वो कैसा होता है, तुमने क्या उसका जो अनुभव है वो तुमने क्या किया है। तो जो पहला बेटा होता है वो सर्दियों में, विंटर्स में गया हुआ होता है, तो वो जब वो विंटर में जाता है तो वो कहता है कि पिताजी मैंने देखा था कि जो आम का पेड़ है वो बिल्कुल सूखा हुआ है, पत्ते भी नहीं है, टहनियां निकली हुई है, राइट। वो बिल्कुल डरावना था जो पेड़ है वो लग रहा था, तो मतलब कि देख के लग रहा था कि इस पेड़ पर अब कभी भी कुछ नहीं होगा इस पेड़ के ऊपर। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, ओके। तो जब वो दूसरे बेटे से पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने आम के पेड़ को कैसा देखा, तो वो कहते हैं कि पिताजी नहीं, मैंने जो आम के पेड़ को देखा तो वो आम के पेड़ के ऊपर जो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं वो उभर रही थी, वो निकल रही थी, और जो उसके जो फूल थे वो निकलना शुरू हो रहे थे। वो बहुत ही एक अच्छा सा जो अनुभव, ये यानी कि उसके अंदर एक होप थी, एक उम्मीद थी, वो उस पेड़ के अंदर से दिखाई दे रही थी कि हाँ जो उम्मीद है वो कैसी होती है, किस तरीके से वो निकलती है, क्योंकि उसने उसको स्प्रिंग सीजन में, बसंत की ऋतु में उसने उसको देखा था, जब जो पेड़ की जो डालियां थे, जो पत्ते थे, वो छोटे छोटे पत्ते जब थे वो निकल रहे थे। वो कहते ओके। फिर तीसरे बेटे से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुमने आम के पेड़ को कैसा देखा है, कैसा होता है आम का पेड़। वो कहते कि नहीं पिताजी, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैंने जो आम का पेड़ देखा है वो तो बहुत ही हरा भरा जो वृक्ष था वो वहां पर लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर जो पेड़ था वो वहां पर बना हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार हरा भरा, उसकी छाव इतनी घनी थी कि आराम से गर्मियों के सीजन में आराम से उसके नीचे जो है वो बैठ सकते हैं। कहते ओके ठीक है। और फिर वहां पर चौथा जो बेटा होगा उससे पूछते हैं, वो बोलता है कि नहीं पिताजी, मैंने जो देखा था कि उस पेड़ के ऊपर मीठे मीठे जो आम है वो लगे हुए हैं, क्या फ्रूट है, क्या जूसी फ्रूट होता है, और लेकिन उसके जो पत्ते थे वो धीरे धीरे हल्के हल्के पीलेपन में जो थे वो होने शुरू हो रहे थे, क्योंकि उसने उसको फॉल सीजन में देखा था, राइट। तो अब चारों ने जो बयान किया पेड़ के बारे में, आम के पेड़ के बारे में, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, चारों जो थे उन्होंने डिफरेंट तरीके से उसको बयान किया, लेकिन था तो वो आम का ही पेड़, था तो वो आम के पेड़, एक आम के पेड़ के ऊपर इतनी सारी जो चीजें आती हैं, लेकिन उसको जो देखने का जो अनुभव है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट था। तो पिताजी फिर उनको बताते हैं, यही चीज बताते हैं कि कभी भी किसी को जज करना हो, किसी के बारे में कोई धारणा बनानी हो, कभी भी किसी बारे में कोई निर्णय लेना हो, तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी प्रॉपर जो जानकारी है उसको जो समझना है वो बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी एस्पेक्ट जो है वो देख लेने चाहिए। जैसे आम का पेड़ है,
लेकिन तुम चारों ने उसको अलग अलग सीजन में देखा है, तो तुम्हारी जो धारणा है वो अलग अलग बनी हुई है। किसी के लिए वो जो धारणा बनी हुई है कि वो सूखा हुआ पेड़ है, किसी के लिए हरा भरा पेड़ है, किसी के लिए जो उसके ऊपर बड़े मीठे जो आम है वो वहां पर लगे हुए हैं। ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में बहुत बार, कई बार गलत निर्णय किस वजह से ले लेते हैं। कई बार कोई आदमी विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ होता है तो हम उसको क्या समझ लेते हैं कि यार ये जो आदमी है ना, ये गले पड़ रहा है अब, और कुछ नहीं, ये बार बार जो चीजें हैं ये मांगे जा रहा है। क्या पता उसकी जो अभी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो किस तरीके से निकल रही है। चेक कीजिए उस आदमी को, चेक कीजिए कि वो अभी किस कंडीशन से जो है वो निकल रहा है। हम कई बार ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं गलत कारणों की वजह से, जिसकी वजह से चाहे उस आदमी से हमें बहुत अच्छा जो बिजनेस है आने वाले समय में हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा जो टीम मेंबर है वो बन सकता है, लेकिन उसकी आज की करंट सिचुएशन की वजह से कई बार हम उसको निकार देते हैं। राइट, तो माय डियर फ्रेंड, जब भी डिसीजन लेना हो तो चारों सीजन जो है वो चेक करने चाहिए। ये नहीं कि अगर वो प्रॉपर पूरा, उसके पास पैसा वगैरह पूरा है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पता चले कि बाद में जाके अंदर से कुछ और ही झोल निकले उसमें से। तो सभी जो चीजें हैं आगे पीछे देखकर जो निर्णय है वो हमको लेना चाहिए। राइट, आशा है दोस्तों कि जो कहानी है आपको पसंद आई होगी, और अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और जानेंगे आज का सेशन के बारे में। बहुत ही शानदार जो सेशन है वो आज का यहाँ पर रहने वाला है। आइए देखते हैं आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के मॉर्निंग के इस वेबिनार में। ये दोस्तों टॉपिक जो है आज का वो बहुत ही शानदार है, कुछ तो लोग कहेंगे। जिंदगी में किसी भी इंसान के सफल और असफल होने के पीछे एक कारण रहता है कि वो इस चीज के बारे में क्या सोचता है। कुछ तो लोग कहेंगे, डेफिनेटली लोग बोलेंगे, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लोग चुप होने वाले नहीं है यहां पर। राइट, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। एलिफेंट्स डोंट बॉदर अबाउट डॉग्स, हाथी जो होता है वो कभी भी कुत्तों के बारे में नहीं सोचते हैं। हाथी को देखा होगा ना आपने, वो मस्त अपनी चाल में झूमता हुआ जो है वो चलता रहता है। कुत्ते जो है वो उसके आसपास में जो है वो भौंकते रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ते भौंकते रहेंगे भौंकते रहेंगे भौंकते रहेंगे, और जब उनकी गली जो है वो समाप्त हो जाएगी वो वापस आ जाएंगे। लेकिन हाथी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हाथी को कोई भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि जो कुत्ते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुत्ते हैं जो क्या बोलेंगे उनको फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज, जिसकी जितनी स्तुति होगी प्रशंसा होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी। कभी भी ये मत सोचिए कि आपके बारे में कभी कोई बुरा नहीं बोलेगा। नो माय डियर फ्रेंड, कभी भी ये मत सोचिए। यूट्यूब पे देखा होगा भगवान के भजन के ऊपर भी डिसलाइक का बटन बना हुआ है। जब भगवान को डिसलाइक कर सकते हैं लोग, तो हम क्या चीज हैं, हम क्या चीज हैं। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना, जुबान लगी हुई है उनके ऊपर बोलने की, उनका काम है बोलना। जिसकी जितनी स्तुति होगी जितनी प्रशंसा होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी। तो कोशिश कीजिए कि निंदा करवाने के लिए तैयार रहिए। अगर मन के अंदर ये चीज बैठ गई है कि निंदा होने वाली है, लेकिन मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, कामयाबी की तरफ कदम बढ़ते चले जाएंगे आपके, कामयाबी की तरफ कदम जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। निंदा करवाने के लिए तैयार रहिए, आपकी स्तुति होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कोई ना कोई पर्सन निकल के आएगा जो आपके विचारों से सहमत रहेगा, आपके विचारों से सहमत होगा। ऐसा व्यक्ति निकल के आएंगे जो आप बोलेंगे। पीपल एक्चुअली डोंट हैव गोल्स, लोगों के पास ना एक्चुअली कोई गोल्स नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, एक्चुअली में कोई टारगेट नहीं है लोगों के पास में। दोज हु हैव गोल्स दे डोंट हैव टाइम टू डू सच थिंग, और जिनके पास गोल्स हैं उनके पास ये सब बोलने के लिए समय नहीं है। वो फालतू में आपके लिए बातें बनाएंगे, वो आपके लिए बोलेंगे, उनका धन्यवाद कीजिए कि वो आपके लिए समय निकाल रहे हैं। अदरवाइज लोगों के पास तो, क्योंकि जिनके पास गोल्स हैं टारगेट्स हैं वो उनको करने में लगे हुए हैं, उनके पास ये फालतू चीजों के लिए समय ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, दे डोंट हैव टाइम टू डू सच थिंग, बिल्कुल भी समय नहीं है। पीपल एक्चुअली डोंट हैव गोल, लोगों के पास में एक्चुअली गोल्स ही नहीं होते हैं। राइट, तो माय डियर फ्रेंड, यू जस्ट फोकस
ऑन योर गोल्स, आपको सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर जो है वो फोकस करना है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, आपके जो गोल हैं, जो आपने टारगेट सेट किए हैं, आपको उनके ऊपर जो है वो आपको फोकस करना है। डू व्हाट यू वांट टू डू, वो कीजिए जिस काम को करने में आपका मन लगता है, जिस काम को आप करना चाहते हैं, लगता है कि यार ये जो काम है ये मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, और जो काम आप दिल से करना चाहते हैं उस काम को करने में पूरा जोर लगाइए। डू व्हाट यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं उसको कीजिए। पीपल हेजिटेट टू डू डेमो, लोग डेमो करने में हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, अरे डेमो नहीं, 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 नहीं सर, हम कहाँ सर जो डेमो दिखाएंगे, सर मैं खुद ही डेमो दिखाऊंगा, सर मेरी टीम डेमो दिखाएगी। नो माय डियर फ्रेंड, आप डेमो करेंगे, आपकी टीम डेमो करेगी। ये जो टीम होती है ना, ये ऐसी ये वानर सेना की तरह होती है, बंदर की तरह होती है। आप टोपी फेंकेंगे, ये टोपी फेंक देंगे, आप टोपी उठाएंगे, ये टोपी उठाएंगे, आप डेमो करेंगे, ये डेमो करेंगे, आप डेमो नहीं करेंगे, वो पहले बैठे हुए हैं, वो पहले निकम्मे होकर बैठे हुए हैं, वो डेमो नहीं करेंगे, आप करेंगे तो वो काम करेंगे। आप बोलेंगे तो वो काम नहीं करने वाले, आप बोलेंगे ना उनको लेक्चर देंगे, बड़े बड़े लेक्चर दे देंगे, अरे सर ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, देखो मैं इतना बड़ा लीडर बना हूं, आपको भी करना पड़ेगा, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप करके दिखाएंगे, देखो डेमो को ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे करते हैं, ऐसे जो बल्ब है वो चलता है, तो ऐसे आपने लोगों को बताना होता है। वो कहेंगे ठीक है, वो सर हिलाएंगे और चल करके दिखाओ, सर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और वो तभी करेंगे, आपके बोलने पे नहीं करेंगे, आपके करने पे करेंगे। दे फीलिंग शाय टू डू कैनोपी कैंप, कैंप लगाने में, कैनोपी लगाने में उनको शर्म महसूस होती है, वो शर्म का जो एक वो चोला जो पहना हुआ है ना उसको उतार कर फेंक दीजिए। लोग क्या कहेंगे, अबे लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम करोगे तो भी कहेंगे, तुम नहीं करोगे तो भी कहेंगे, तुम करोगे तो कहेंगे देखो ये क्या कर रहा है, तुम नहीं करोगे तो देखो ये बोलेंगे ये देखो ये कुछ भी नहीं कर रहा है। अरे लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लोगों के बोलने से अगर आपके फेल्यूर और सक्सेस होने पर फर्क पड़ रहा है तो इसमें तो हम गधे हैं, हम बेवकूफ हैं बेसिकली, कि लोगों के बात करने, हमारा सक्सेसफुल होना लोगों के बोलने या ना बोलने के ऊपर निर्भर कर रहा है। बताओ हमने अपनी जो डोर है वो दूसरों के हाथों में दी हुई है कि भाई जैसे तुम बोलोगे हम वैसे करेंगे, बताओ क्या करें, अरे तुम कुछ मत करो, ठीक है भाई साहब हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमने बेसिकली अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। अब लोग जो है वो नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं, तो अब ये तो समझदारी की बात इसके ऊपर आती है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं चीज के ऊपर। इफ अ पर्सन इज नॉट वर्किंग, देखिए कोई अगर आदमी कोई काम नहीं करता है ना तो उसके पीछे के दो कारण होते हैं। अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो इसके पीछे के दो रीजन होते हैं, दो कारण होते हैं। पहली चीज, उस आदमी को नॉलेज नहीं है, उस आदमी को पता नहीं है कि करना कैसे करना है। अच्छा डेमो देना है, सर मेरे को पता नहीं है डेमो कैसे देते हैं, अच्छा सर क्या बोलना होता है, पहले तो ये चीज होगी। दूसरा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि जो काम है जो बेसिकली वो कैसे करना है। पहली चीज लैक ऑफ नॉलेज, उसको आप सुधार सकते हैं, ट्रेनिंग देकर, डेमो देकर, लैक ऑफ नॉलेज उसको जो है वो आप सुधार सकते हैं, राइट। और दूसरा, इंटरेस्ट नहीं है, उसका आप कुछ भी जो इलाज है वो नहीं कर सकते हैं। अरे जो इंटरेस्ट ही नहीं है उसका क्या इलाज करेंगे आप। देखिए सोते हुए को जगाना आसान होता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है, जो नाटक कर रहा है, उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग इस चीज से पीड़ित रहते हैं, राइट, जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इंटरेस्ट नहीं बनता लोगों का। नॉलेज तो मिल जाएगी, इंटरेस्ट कहां से पैदा करेंगे, इसलिए मॉर्निंग के वेबिनार होते हैं जगाने के लिए। इफ यू डोंट हैव नॉलेज देन यू नीड ट्रेनिंग एंड इश्यू विल बी सॉल्व। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, तो करना क्या है कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है और जो हमारा इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, तो प्रॉब्लम इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन यू आर इन बिग प्रॉब्लम। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जी हाँ, अगर आप करना ही नहीं चाहते हैं तो यानी कि एक बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सेट योर फोकस, अपना जो फोकस है ना उसको सेट कीजिए, एक फोकस एक जगह पर रखिए कि करना क्या है, करना क्या नहीं करना है, और इसके ऊपर काम कीजिए। डेली के मैंने
क्या करना है डेली के, मैंने सर मैंने 10 लोगों से मिलना है, अभी वो फोकस रखिए उस चीज के ऊपर, डेली के मैंने इन कितने लोगों के ऊपर यहाँ पर काम करना है, अरे वो फोकस रखिए उस चीज के ऊपर। लोग फोकस नहीं रखते हैं उस चीज के ऊपर, काम नहीं करते उस चीज के ऊपर, फोकस बनाइए उस चीज के ऊपर। इफ यू आर ग्रोइंग डॉग्स आर बार्किंग, अगर आप आगे बढ़ेंगे कुत्ते भौंकेंगे, लोग बात करेंगे आपके बारे में, करने दीजिए। कुत्ते भौंक रहे हैं यानी कि आप काम कर रहे हैं, लोग नहीं भौंक रहे हैं, लोग नहीं बात कर रहे हैं यानी कि काम नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि हमें आवाज आनी चाहिए। आप ये समझो कि हमें कुत्तों की आवाज जो है वो हमें सुनती रहनी चाहिए, लोग हमारे बारे में जो बातें हैं वो करते रहने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तो तभी पता चलेगा कि हम लोग जो काम है वो कर रहे हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। इफ नॉट दे आर हैप्पी बस स्टिल बार्किंग, अगर आप काम नहीं भी करेंगे वो खुश होंगे लेकिन वो फिर भी भौंकेंगे, वो खुश तो होंगे लेकिन फिर भी भौंकते रहेंगे। तो अब ये आपके हाथ में है, उनको तो बोलना ही बोलना है, अब काम करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में है, कि करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। डेफिनेटली इट्स अ बिग डिफरेंस। डू नॉट हैंड ओवर योर लाइफ इन अदर्स हैंड, दूसरों के हाथों में अपनी जिंदगी को मत दीजिए। नो माय डियर फ्रेंड, दूसरों के हाथों में अपनी जिंदगी को मत दीजिए। लोग अपने जिंदगी की जो डोर है वो दूसरों के हाथों में देकर चलते हैं, उनके जो फैसले हैं वो दूसरे सामने वाला जो है वो उसके फैसले कर रहा होता है। चेंज कीजिए इस चीज को, बी अ लीडर, आपको लीडर बनना है, एक लीडर बनिए, एक जबरदस्त जानदार शानदार जो लीडर है वो आपको बनना है, वो लीडर बनने की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग एक लीडर बनना चाहते हैं। राइट योर स्टोरी, अपनी कहानी खुद लिखिए, दूसरे आपकी कहानी लिखकर चले जाते हैं, अब बोलते हैं यार एंड ऐसा होगा, मेरा पता नहीं था यार इस तरह से एंड होगा, सर अगर ये ना हुआ होता तो मैं ये कर लेता, अरे सर जिंदगी में अगर ये प्रॉब्लम ना आई होती, अरे सर मेरे घर वाले अगर मेरा साथ दे देते ना, कौन तुम्हारा साथ देगा, तुम खुद अपना साथ नहीं दे रहे, तुम्हारा पड़ोसी साथ नहीं देगा, तुम्हारे घर वाले साथ नहीं देंगे, तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा, तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा। माय डियर फ्रेंड, तुम्हें अपना जो साथ है वो खुद देना होगा, तुम्हें खुद अपना साथ देना होगा। तो डेफिनेटली अगर तुम अपना खुद साथ दोगे, अपनी कहानी तुम खुद लिखोगे, तो रिजल्ट तो भाई साहब आपको ही मिलेंगे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं, अपनी जिंदगी की जो बागडोर है वो किसी दूसरे के हाथ में मत सौंपिए, कोई आपकी जिंदगी के आके फैसले कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपकी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं, आपके पड़ोसी आपकी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं, लोग आपकी जिंदगी के फैसले कर रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, नहीं सर आप बताइए क्या करना है, सर हम वही काम करेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, आप इतने निकम्मे नहीं हो सकते हैं कि कोई दूसरा आपको समझाए कि आपको काम क्या करना है, आपको खुद की बुद्धि से, खुद के विवेक से आपको काम लेना है, और आपको ये तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, खुद तय कीजिए क्या करना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों डेफिनेटली लोग जो हैं वो बातें करते रहेंगे आपके बारे में, लोगों का काम है बातें करना, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उन बातों को अपने दिमाग के ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं। डेफिनेटली बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है, अपने अंदर से मन की आवाज को सुनिए और खुद जो अपनी जिंदगी के जो फैसले है वो लेना शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो चेंजेस है वो आ सकती है, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आशा है आपको आज का ये जो सेशन है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा। जिंदगी के फैसले उनको अपने हाथ में रखिए, खुद लीजिए, ताकि कल को अगर पछतावा भी हो तो आप खुद को दोष दें, किसी दूसरों को दोष मत दीजिए कभी भी, राइट। तो दोस्तों जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।